उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बांदा को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पूरा मामला बांदा जनपद के पिंडवारी पीएससी का है, जहां की एक ग्रामीण आशा कार्यकर्त्री ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर तिंदवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सर्वजीत पटेल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर सभी आशाओं पर दबाव बनाते हैं कि महिलाओं को उनके कालीकुआं स्थित मेडिकल सेंटर में लाकर अल्ट्रासाउंड कराएं। इसी के चलते कुछ गर्भवती महिलाओं को लेकर उनके क्लिनिक गई, जहां डॉक्टर सर्वजीत पटेल ने आशा कार्यकर्त्री के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी अपने क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड करने के दौरान छेड़खानी की थी, जिसमें भी जा चुकी है। इस मामले में जिलाधिकारी ने सीएमओ को तत्काल जांच कर कार्यवाही के लिए पीड़िता के प्रार्थना पत्र को भेजा। सीएमओ ने पीड़िता को फोन कर अपने कार्यालय बुलाया, जहां अपने डॉक्टर को बचाने के लिए पीड़िता पर दबाव बनाते हुए नौकरी से निकालने की धमकी दी। इस संदर्भ में जब सीएमओ से बात की तो उन्होंने जांच कर कार्यवाही की बात कही है। सीएमओ ऑफिस गई थी, क्या है मामला? सर हमें बुलाया था सीएमओ सर। काहे के लिए? 2 दिन पहले हमने अधिकारी को डीएम सर को एप्लीकेशन दिया। काहे, किस मामले में एप्लीकेशन दी थी? डॉक्टर के खिलाफ। क्या था मामला डॉक्टर का? सर जी डॉक्टर हमारी पीएससी में प्रभारी डॉक्टर है, वहाँ हमें जाते हैं तो कहते हैं कि लाभार्थी लिवा के दबाव डाल के कहते हैं कि हमारे क्लिनिक आओ अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो क्या वो यहाँ उनका कोई क्लिनिक भी है क्या? हाँ बांदा में। किस नाम से? गायत्री सिटी मेडिकल। लाभार्थी लेके गए, 2-4 लाभार्थी लेके गए, मेरे साथ छेड़खानी तो किया, और लाभार्थी के साथ जब लेटने पर वहाँ पे जो है छेड़खानी करने लगे, और वहाँ से लाभार्थी भागे कि यहाँ डॉक्टर से हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे और डॉक्टर ठीक नहीं है, हमसे लड़ी, कह रही कि तुम नहीं कुछ करोगी कार्रवाई तो फिर हम करेंगे, डॉक्टर कहे कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो आज सीएमओ ने क्या कहा है? सीएमओ ने कहा तुम्हें नौकरी करना है नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दें। कार्रवाई के लिए कुछ आश्वासन नहीं? कहे कि तुम्हें नौकरी करना है तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। हमने कहा सर हम अपनी इज्जत नहीं दे पाएंगे, इज्जत बेच के हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।